हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल नाइट क्रीम। क्या होता है कि सर्दियों में ज्यादातर हम लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बेसन क्रीम मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपकी स्किन से सारा डस्ट डस्ट बाहर निकाल देगा, स्किन में जो कालापन है, झुर्रियां, झाइयां, दाग धब्बों को खत्म कर देगा। साथ ही साथ अगर स्किन पर बहुत ज्यादा मैल जम गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई है, तो ये स्किन इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, स्किन को एकदम ग्लोइंग चमकदार बना सकता है। बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियो पर जुड़े रहे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ड्राई स्किन को सॉफ्ट करता है, लाइटन बनाता है, ब्राइटन बनाता है, स्किन एकदम चमकदार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं 1 बड़ा चम्मच बेसन का। बेसन के अनेकों फायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए। बेसन चेहरे की टैनिंग को दूर करता है, पिंपल से निजात दिलाता है, स्किन पर एक ग्लो लाता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को टाइट करता है। फाइन लाइंस और झुर्रियों को दूर करने में भी बेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन से बैक्टीरिया को बचाता है और दाग धब्बों को मिटाता है। सेकेंड जो बेसन में ऐड करना है हल्दी, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूं, बस इतनी सी करनी है, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो चेहरे के मुहासों और पिंपल्स को हटाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। थर्ड इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा। ये मैं 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा यूज कर रही हूं। एलोवेरा जो है एक क्लींजर की तरह काम करता है, जैसे फेस वॉश के बाद हम फेस एकदम फ्रेश हो जाता है जैसे धोने के बाद, तो यही सारे काम एलोवेरा करता है। इसके इस्तेमाल से झुर्रियां, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम दूर होती है, स्किन एकदम टाइट रहती है। तो थर्ड इसमें एलोवेरा ऐड किया। एलोवेरा जेल के बाद इसमें ऐड करना है विटामिन ई का 1 कैप्सूल। तो इसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल के बाद इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल का। अगर स्किन ड्राई है तो कोकोनट ऑयल फेस पर एज अ मॉइस्चराइजर काम करेगा, चेहरे पर बिल्कुल से रूखापन नहीं आने देगा। कोकोनट ऑयल के बाद फाइनली इसमें ऐड करना है घी। छोटा चम्मच घी का ऐड करना है इसमें, इस तरह से। घी क्या करेगा, घी जो है डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को नरम बनाता है, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से ये क्रीम बनकर रेडी होगी, आप देख सकते हैं। इसे इस तरह से फ्रिज पे स्टोर कर फ्रिज में रखना है, फिर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको इसे अपने हाथों पर अप्लाई करके बताने वाली हूं। आप ओवरनाइट इसे फेस पर अप्लाई करके रख सकते हैं और सुबह उठ के फेस वॉश कर सकते हैं इसे इस तरह से लगा के।
तो इस तरह से फेस पर इसे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं सारा डर्ट बाहर निकल रही है, देखो। तो इस तरह से मैं भी इसे ओवरनाइट अप्लाई करके रखूंगी और सुबह फेस वॉश कर लूंगी। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेमेडी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।